भोपाल सीट पर साध्वी प्रज्ञा को दिग्विजय सिंह के सामने लोकसभा टिकट देकर बीजेपी ने एकाएक इस सीट को हिंदू आतंकवाद बनाम भगवा आतंकवाद बनाम राष्ट्रवाद की प्रयोगशाला के तौर पर स्थापित कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा मालेगांव बम धमाके में मुख्य आरोपी हैं। मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव मैदान में उतरते ही भोपाल लोकसभा सीट अचानक हॉट हो गई है। साध्वी प्रज्ञा सुबह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और शाम को पार्टी ने उन्हें कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह के सामने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दूसरे चरण के मतदान के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के इस कदम से ध्रुवीकरण की संभावनाएं बढ़ गई हैं और इसका असर न सिर्फ भोपाल तक सीमित रहेगा बल्कि पूरे देश पर पड़ेगा। अब यह लड़ाई हिंदू आतंकवाद भगवा आतंकवाद बनाम राष्ट्रवाद होती दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं दिग्विजय सिंह की। मध्य प्रदेश में 10 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के बाद चुनाव हारे तो उन्होंने 10 साल तक चुनाव न लड़ने का संकल्प लिया, अपने वादे को निभाया भी, थोड़ा इंतजार किया, किंतु जैसे ही लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ अपने दोस्त और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी। कमलनाथ ने बिना वक्त गवाए उन्हें दूसरा ही प्रस्ताव दे दिया, चुनाव लड़ना है तो किसी चुनौतीपूर्ण सीट से लड़िए। दिग्विजय सिंह का गढ़ राधोगढ़ है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मना नहीं किया और फैसला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर छोड़ दिया, जहां से वह तय करेंगे दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी का गढ़ कहलाने वाले भोपाल से चुनाव लड़ने को भी दिग्विजय सिंह तैयार हैं। जैसे ही उन्होंने ये चुनौती स्वीकार की, बीजेपी की चुनौती और बढ़ गई और मंथन होने लगे कि कांग्रेस के इस दांव पर कौन कार्ड बन सकता है। तीन नामों में उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नामों पर मंथन होना शुरू हुआ। उमा भारती ने 2003 में दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश की सत्ता से बेदखल किया था, जबकि शिवराज सिंह चौहान उनके सामने चुनाव हार चुके थे, लिहाजा वे चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए। आखिर में मोहर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर लगाई गई। सवाल उठता है कि जानते हुए कि प्रज्ञा ठाकुर 27 सितंबर 2008 को हुए मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी है, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दांव क्यों लगाया? इसका जवाब है कि जब केंद्र में पी चिदंबरम गृह मंत्री थे तब दिग्विजय सिंह अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे, साथ ही उनके अखबारों में आर्टिकल भी लिखा करते थे। उसी दौरान मालेगांव ब्लास्ट हुआ तो हिंदू आतंकवाद को खूब उछाला गया। उसमें साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित तथा असीम आनंद समेत कई आरोपी बने। उससे पहले समझौता ब्लास्ट हुआ था। माना गया कि कांग्रेस ने इन दोनों नेताओं ने हिंदू आतंकवाद शब्द को हवा दी और इन तीनों आरोपियों से पूछताछ में काफी प्रताड़ित भी किया गया, मकोका भी इन पर लगाई गई। अब जबकि समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले में असीम आनंद समेत तमाम आरोपी बरी हो चुके हैं, पुरोहित प्रज्ञा मालेगांव मामले में जमानत पर हैं, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने इन लोगों पर मकोका भी हट चुकी है। बीजेपी को लगा कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को भुनाने का यही सही मौका है। यह ऐसा भावनात्मक मुद्दा है जिस पर बहुसंख्यक हिंदू जात पात भूल कर एक हो सकते हैं। 1 अप्रैल को महाराष्ट्र के वर्धा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ इशारा कर दिया था कि चुनाव किस दिशा में जाने वाला है और उसे कैसा लड़ा जाए। वहीं उन्होंने कहा था कि कांग्रेस देश के करोड़ों लोगों को हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल कर कलंकित कर देना चाहती है। साथ ही उन्होंने पूछा था कि आप हिंदू आतंकवाद शब्द से दुखी नहीं हुए थे क्या? क्या इतिहास में ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें कोई हिंदू आतंक में गतिविधियों में संलिप्त हुआ हो? साफ है कि इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कोई मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा था जो उसकी नैया को पार लगा दे। इसलिए पड़ोसी के घर में घुसकर मारने, मोदी की सेना और अली के जवाब में बजरंग बली जैसी तीन चीजें उछाली गई। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के इस कदम का चुनाव पर प्रभाव की बात है तो यह तय माना जा रहा है कि इससे जबरदस्त ध्रुवीकरण होगा और इसका असर न सिर्फ आसपास की सीटों पर बल्कि पूरे चुनाव पर पड़ेगा और लड़ाई को राष्ट्रवाद बनाम हिंदू आतंकवाद बनाने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी। दिग्विजय सिंह के उन बयानों को और भाषणों को भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश करेगी जिसमें हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने कुछ ना कुछ कहा है। ऐसे समय में जब कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कदम बढ़ा चुकी है, यह लड़ाई को ज्वलंत मुद्दे की तरफ खींचेगी और साध्वी पर सीधे अटैक करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को घेरेगी। इसलिए साध्वी के नाम का ऐलान के बाद उसे सधी हुई प्रतिक्रिया दी, जिससे बीजेपी की मानसिकता का पता चलता है। अब देखना यह होगा कि अपने मकसद में कौन कितना कामयाब होता है। वहीं इसके बाद दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने साध्वी का स्वागत करते हुए कहा है, भोपाल की भूमि पर आपका स्वागत है। वहीं उन्होंने मां नर्मदा से ये आशीर्वाद भी मांगा है कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले को हमेशा अपना आशीष प्रदान करें। भोपाल में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि रमणी शहर का शांत, शिक्षित और सभ्य वातावरण आपको पसंद आएगा। मैं मां नर्मदा से साध्वी जी के लिए प्रार्थना करता हूँ और नर्मदा जी से आशीर्वाद मांगता हूँ कि हम सब सत्य, अहिंसा और धर्म की राह पर चल सकें। नर्मदे